का आंसर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसका आंसर बहुत इजी है, इसको आपको ये चैप्टर में से ही मिल जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 139, इसके ऊपर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल मिल जाएंगी। इसमें से आप अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास तो आप 4 लिख लें, अगर आप इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा लिख लें। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली। के नाइट्रोजन जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली कैसे जो है और क्यों जो है वो कंपाउंड बनाता है। इसका आंसर सिंपली ये होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल इट्स मीन सेकेंड ग्रुप, जिसमें आप मैग्नीशियम ले सकते हैं कि मैग्नीशियम इसमें अल्कलाइन उसमें आ जाएगा। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जब भी जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे, ये एक स्टेबल जो है कंपाउंड बना देंगे। इसी वजह से जब भी जो है ये दोनों मिलेंगे डायरेक्टली मिलेंगे और एक स्टेबल जो है वो बिल्कुल कंपाउंड बना देंगे। ये देखें ये आपने पेज नंबर 143 के अंदर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये स्टेप नंबर 7 है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ये देखें मैं आपको जूम कर देती हूँ। दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, और ये मिलके Mg3N2 बना रहे हैं। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख देंगे कि ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं, इसलिए डायरेक्टली मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है वो मिलके। जी अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट वन। इसका आंसर आपको पेज नंबर 141 के ऊपर मिल जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम आयन एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज ऑफ आयन डिक्रीजेज। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरह से जो है वो सेकंड वाली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके पास मैग्नीशियम आयन है, इसके के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाहर वैलेंस में उसके पास एम जो हमारे पास हमारा वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव किया गया है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई थी लेकिन इतनी हाई नहीं थी जितनी बाद वाले की हुई है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया बाहर से, बाहर इसके पास रह गया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है और बाकी इसके पास बच गया है एक इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है उसके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में और स्ट्रॉन्गली जो है वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक चार्ज जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो गया। इट्स मीन ये साइज़ जो है हमारे पास जो मैग्नीशियम के एटम का साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से इन दोनों की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो आपस में अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाएगा। इसी अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से जो ये सेकेंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गया है इसकी रिमूवल जो है हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी और इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इसको रिमूव करने के लिए। सो इट इज़ प्रूव दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकेंड इज़ वेरी हाई देन द फर्स्ट वन।